फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे जो मशीन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसे दूर करने की। तो क्या होता है कि अगर हम अपनी मशीन में अच्छा सा ऑयल अगर नहीं लगाते हैं और बढ़िया कंपनी का नहीं लगाते हैं तो हमारी मशीन बिल्कुल धीरे धीरे ख़राब हो जाती है, और मार्केट में कोई भी ऐसा ऑयल नहीं है जो अच्छा हो। तो इसी को देखते हुए आज हमने एक ऑयल बनाया है जो कि आपके लिए, आपकी मशीन के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑयल है, जिसे लगाने के अगर आप लगातार इसे लगाते रहे तो कम से कम आपकी मशीन की 10 साल उम्र एक्स्ट्रा हो जाएगी। बस क्या है कि बस उस ऑयल को हमारे बताए अनुसार आप लगाते रहें, भले ही आप हफ्ते में लगाएं या दो दिन या तीन दिन में लगाएं, लेकिन उस ऑयल को अगर आप लगाते रहे तो आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ना धागा काटेगी और ना कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना सिलाई ख़राब आएगी, ना धागा काटेगी, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है और आपकी मशीन सालों साल अच्छी बनी रहेगी, कभी ख़राब नहीं होगी। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। आपके लिए ये हम वीडियो बनाते हैं, आपकी एक लाइक के लिए, एक सब्सक्राइब के लिए। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी माताएं बहनें वीडियो देख रही हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सा ऑयल। हम आपको आज बताने वाले हैं कि मशीन में ऑयल कैसे बनाएँ और कैसे लगाएँ। ध्यान रखें, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो ऑयल लगाने बनाने की विधि और प्लस लगाने की विधि दोनों ध्यान से देखें, तभी फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या। आप लगाने का तरीका अपने हिसाब से चलाएंगे और बनाने का तरीका हमारे हिसाब से बनाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ले लेना है इस तरीके का कप, ले लेना है एक इस तरीके के का कप होना चाहिए, और ये ऑयल है। उसके बाद आपको ले लेना है एक ये ऑयल, ध्यान रखें एक ये ऑयल ले लेना है। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे ये ले लेना है, ये हमारे पास नारियल वाला ऑयल। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज एक और ख़ास चीज़ हम इसमें मिक्स करने वाले हैं, वो है हमारे पास, देख सकते हैं गाइस, ये हमारे पास इसे क्या बोलते हैं आप लोग समझ चुके होंगे, ये है ग्रीस। अब ये ग्रीस क्यों लगाएंगे, इसका भी मतलब है, कितनी लगानी है वो भी ध्यान से देखें। तो गाइस, सबसे पहले चलिए हम ऑयल बनाते हैं। तो आपको इसे अलग कर लेना है, सबसे पहले आपको नंबर वन है हमारे पास ये है पेट्रोल, ध्यान रखें इसे पेट्रोल, वो पेट्रोल है ये। अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है तो आप केरोसिन भी यूज कर सकते हैं, वैसे पेट्रोल है हमारे पास तो पेट्रोल देखें, नंबर वन इतना डाल दें इसमें, ये हाफ ढक्कन हमने पेट्रोल डाल दिया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, ये हमारे पास मशीन वाला ऑयल, ध्यान रखें ये मशीन वाला ऑयल है, ये थोड़ा ज़्यादा ले लें, मतलब पेट्रोल से दुगना ये इसे लेना है। इस तरीके से इसे भी डाल देते हैं। और उसके बाद तीसरा नंबर है ये हमारे पास, इसे नारियल तेल बोलते हैं, जे डावर अनमोल जो भी हो आपके पास, जो भी नारियल तेल हो। तो इस तरीके से आपने जितना ये लिया उससे आधा आपको ये लेना है, और इसके बराबर इसे लेना है, यानी कि आधी ढक्कन ये और आधी ढक्कन ये, या एक ढक्कन ये तो एक ढक्कन ये, ध्यान रखें इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। ये हमारा, हम मतलब इसी तरीके से मिक्स कर रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल फिक्स तरीके से मिलाना है। एक दो और तीसरी चीज़ हमारी हो गई ये वाली, तीन चीज़ें ये हो गई, और चौथी चीज़ में हमें बाद में अलग से मिक्स कर लेना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं करना है, ध्यान रखें बस थोड़ा कर लेना है इस तरीके से। ध्यान रखें इसका बना हुआ ऑयल आपका मशीन को सालों साल ख़राब नहीं होने देगा, क्योंकि ये ज़्यादातर गरारी वगैरह में ज़्यादातर इसे यूज किया जाता है, और हमारी गरारी फिर कटती नहीं है, और हमारी जैसे गरारी नहीं कटती है, बैरिंग नहीं कटती है, वैसे ही हमारी मशीन के ये पुर्जे भी पार्ट्स नहीं कटेंगे और जाम भी नहीं चलेगी। कुछ लोगों की कमेंट ज़रूर होगी कि आपकी मशीन जाम चलने लगेगी, लेकिन हम आपको बताते हैं इससे हमारी मशीन जाम बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि हम इसमें मिनिमम मात्रा डाल रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम पूरा फुल इसी को भर दें, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी मिनिमम मात्रा आप इसमें ऐड कर दें। ध्यान रखें इस तरीके से आपको ऐड कर लेनी है, हल्का और ऐड कर लेना है, बस इतना कर लें। इतना करने के बाद आपको अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है, ध्यान रखें ये जल्दी घुलेगी नहीं, लेकिन आपको अब लगाना किस तरीके से है, ध्यान रखें सबसे पहले लगाने की बात है, तो लगाएंगे किस तरीके से, बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आपको लगाने के लिए ये चाहिए, ये है ब्रश, देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इस तरीके से पेस्ट बना लेना है, और अच्छे से इसे घोलना है, क्योंकि इसमें जो ग्रीस पड़ी हुई है ये जल्दी घुलती नहीं है, लेकिन ब्रश के आगे सारा कुछ सभी घुल जाएगा, देख सकते हैं गाइस इस तरीके से हमने ब्रश से अच्छे से इसे घोल लिया। अब हमें क्या करना, लगाना कैसे, चाहे तो आप इस पेस्ट को अपने
कुप्पी में डाल सकते हैं, ये वाली जैसे कुप्पी है कुप्पी से भी कर सकते हैं, और दूसरा हम आपको बताएंगे ब्रश से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा ऑयल हम इसमें भर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, बस जो भी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देख लें, देख सकते हैं पेस्ट किस तरीके का बना, इस तरीके का बन गया, हमारी ग्रीस भी अच्छे से इसमें घुल गई है और ये काफ़ी एकदम चिकना और काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा बन गया है। तो इस तरीके से आपको डाल देना है इसमें, इतना तो हमने डाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब लगाएं कैसे, लगाने का तरीका भी सीख लें। इस तरीके से इसे चाहे तो आप इससे भी लगा सकते हैं, इस तरीके से इसका झेंक बंद है। तो चलिए इसे हटाते हैं, इसे अलग करते हैं, आपको इस तरीके से लगा के दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको कहाँ पे लगाना है जी, सारे सिस्टम अलग कर लें। और आपको सबसे पहले जब भी लगाएं तो सबसे पहले आपको नाल में लगा लेना है। नाल हमारे मशीन की कौन सी है, ये वाली नाल है, तो इसमें लगा लें। इसे खोल के लगाएं, ध्यान रखें इसे खोल के लगाएं। अगर आप खोलना नहीं जानते हैं तो आप खोलने वाला वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको खोलने वाला वीडियो भी मिल जाएगा। इस तरीके से आपको सभी पुर्जों में आराम से लगाना धीरे धीरे, तो ये हमारी मशीन बिल्कुल ही बढ़िया। इससे पहले हमें क्लीन कर लेना है मशीन को, ध्यान रखें क्लीन करने का। अगर वीडियो आपको नहीं मिला है तो आप कमेंट करें, आपको क्लीन करने का वीडियो भी मिल जाएगा, हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है। उसके बाद हमारा एक चैनल और है, उजाला बुटीक एंड मैकेनिकल, उस चैनल में मेरी वाइफ का फ़ोटो भी लगा हुआ है। तो आप लोगों से गुजारिश है आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट प्रदान करें और उस चैनल को भी इसी चैनल के तरीके से सपोर्ट प्रदान करें, आप लोगों से यही गुजारिश है। तो इस तरीके से हमने ऑयल को इसमें लगाया है, अब ये हमारी मशीन एकदम नरम चलेगी और बढ़िया चलेगी, आवाज़ करने की तो बिल्कुल ही बात ही नहीं, देख सकते हैं कहीं आपको आवाज़ बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको कहाँ पे लगाना है, इस तरीके से यहाँ पर भी लगा लेना है। तो आपको यहाँ पर खोल लेना है, इस तरीके से खोल लें पेंच को, थोड़ा खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलना है। उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर भी अच्छे से लगा देना है, कोई कंजूसी नहीं, आराम से लगाएं, कोई ख़राबी नहीं होगी इससे और हमारी मशीन सालों साल बढ़िया और नरम बनी रहेगी। इस तरीके से आपको चला चला के देख लेना है और इस तरीके से बनाना है। तो गाइस उसके बाद जहाँ जहाँ जौन जौन से पार्ट मूव करते हैं वहाँ वहाँ सभी जगह आपको इसे लगा लेना है। तो बस आप लोगों से गुजारिश है, उम्मीद है कि आपको ये आइडिया और ट्रिक समझ में आई होगी ऑयल बनाने की। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, धन्यवाद।